के मुमताज शायर साकी फारूकी की याद में लंदन में ताज़ी तकरीब हुई। जियो न्यूज के नुमाइंदे आसिफ डार इस पर रिपोर्ट करें। हाल ही में लंदन में इंतकाल कर जाने वाले शायर साकी फारूकी की जिंदगी को सेलिब्रेट करने के लिए हाउस ऑफ कॉमन्स के ग्रूमेड रूम में एक तकरीब हुई, जिसका एहतमाम थर्ड वर्ल्ड सॉलिडेरिटी बरतानिया और उर्दू मरकज लंदन ने मुश्तरका तौर पर किया था। तकरीब में रजा अली आबदी, डॉक्टर जावेद शेख, इफ्तिखार कैसर, मुश्ताक लाशारी, अरशद लतीफ, फैजान अरफ, वकील दानिश और यशब तमन्ना समेत साकी फारूकी के करीबी दोस्तों ने इजहार ख्याल किया और उन्हें शानदार अल्फाज में खराज अकीदत पेश किया। उनकी शायरी थी, हजारों हमारे यहाँ शोला मौजूद है, लेकिन साकी फारूकी की अंदाज, उनकी आवाज, उनके जो डिक्शन था वो सब अलग से पहचाना जाता था। खूबसूरत शायरी की, ना सिर्फ उर्दू में बल्कि अंग्रेजी में भी उनकी शायरी जो है पढ़ने के काबिल है। बाद शरोका का कहना था कि साकी फारूकी बजाय जितने दबंग थे उतने ही अंदर से नरम खून इंसान भी थे। उन्होंने और दूसरे अदीबों ने बरतानिया में उर्दू जुबान को जिंदा रखा हुआ है। उर्दू की तरक्की के लिए और उर्दू को जिंदा रखने के लिए इन लोगों की कदर की जानी चाहिए। इस कदर दबंग आदमी थे कि किसी को खातिर में नहीं लाते थे, बड़े अच्छे ख्याल रखते थे, तरकीब सारे इंसान थे। तकरीब में बड़ी तादाद में शोरा, अदीबों और कम्युनिटी शख्सियात ने शिरकत की। आसिफ डार, जियो न्यूज, लंदन।